अस्सलाम वालेकुम जी, आसिफ महमूद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इंतखाबात हो गए। इंतखाबात के बाद जो गर्द बैठनी थी वो नहीं बैठी, वो मज़ीद उठ खड़ी हुई है। जो हम सियासी इस्तेहकाम की तवक्को कर रहे थे वो भी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, तो मुआशी इस्तेहकाम तो आगे की बात है। आए रोज़ एक नया, वो क्या कहते हैं, वो खुल जाता है, कटा खुल जाता है। अब एक नया खुला हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब की खफगी समझ में तो आती है, लेकिन मौलाना साहब का जो नया नैरेटिव है इसके हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब उस वक्त एक तवाना आवाज़ थे जब PMLN और पीपल्स पार्टी के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मौलाना उस वक्त सड़कों पर थे जब इनका कोई कारकुन नहीं निकल रहा था। लेकिन अगर उस वक्त मौलाना इस सारे अमल का हिस्सा थे तो जाहिर है ये फी सबीलिल्लाह तो नहीं था, ना ही ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए था। सियासत तो सियासी जमा तफरीक के ऊपर होती है। चुनाचे जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो गवर्नरी भी मिली मौलाना साहब के समधी को, मौलाना साहब के साहबजादे को वजारत भी मिली। ये सब हंसी खुशी सब कुछ चलता रहा। और अब अगर इलेक्शन में मौलाना कुछ सीटें जीत जाते तो क्या फिर भी उनका यही नैरेटिव होता? एक तो ये सवाल आते हैं, दूसरे ये सवाल आते हैं कि मौलाना भले देर से बोले हों या पहले से बोले हों, जो वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है या नहीं। इस तरह के काफ़ी सारे सवाल आते हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। रियासत अली आज़ाद साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर कानूनदान है। रियासत साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद जवान साहब, सरबराह है शोबे सोशियोलॉजी कराजम यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। रहमतुल्ला काकड़ साहब हमारे साथ हैं, JUIF के रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं। और शकीला लुकमान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। मैं सब मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। रहमतुल्ला काकड़ साहब, सर आपसे आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब ने फरमाया था कि बहार आए या ना आए, खिजां को जाना चाहिए। तो सर खिजां चली गई, तो अब आप इस बात पे क्यों नाराज़ हैं कि सबके घर में बहार आ गई, मेरे घर में उस तरह बहार नहीं आई जैसी उम्मीद थी या जैसा वादा था? सर आपने तो ये इश्क की बाजी कुछ और शर्त पे खेली थी, सर आप खफा क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो एक शेर है, अगर अल्फाज में उसके कुछ आगे पीछे वो हो तो उसमें माफ कर दीजिए। परवीन शाकिर साहिबा का कि कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। गुजारिश ये है, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन तमाम शहरियों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यकसा हकूक देने की गारंटी देता है तो फिर ये इम्तियाज क्यों? क्या इस इम्तियाजी सलूक से हम अपना एक बहुत बड़ा जो कौमी नुकसान है माजी में वो नहीं कर चुके हैं? क्या उसकी तलाफी कोई माई कलाल कर सकता है? क्या उसकी जिम्मेदारी जो है वो किसी पे डाली गई? या उसके वो जो उस वक्त एक दानिश्ता कह लीजिए या गैर दानिश्ता या इंटरनेशनल एक कॉन्स्पिरेसी थी, तो उसके नतीजे में जो वतन अजीज दोलख्त हुआ था, क्या हमें फिर इस तरह की कोई गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए? चाहे वो मुकामी सतह पे हो, चाहे वो बाहर से हो या कुछ भी हो, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं हमारे उसकी बात करते हैं। हम एक आम आदमी की बात करते हैं, हम कोई एक्स्ट्रा को नहीं मानते हैं। जो जीतता है सही तरीके से उसको मुबारक हो, वो भी हमारे भाई हैं। और अगर हम सही तरीके से जीते हैं और हमारी उस जीत को हार में बदला जाता है तो हम तो पहले से ही नाना हैं। खासकर जो छोटे सूबे हैं बलूचिस्तान या खैबर पश्तूनख्वा या हमारे जो पंजाब और सिंध के इवन जो रूरल एरियाज हैं उसमें भी इस वक्त भी मेरे आने वाले पंजाब में लोग नंगे पांव हाथों में फिरते हैं। काकड़ साहब, काकड़ साहब ये रहनुमाई फरमाइए। शेर आपने बिल्कुल दुरुस्त पढ़ा और बहुत खूबसूरत शेर आपने पढ़ा। अब मुझे नहीं पता कि किसने किसको छोड़ दिया, बात बहरहाल रुसवाई की है। ये फरमाइएगा कि मौलाना साहब ने कहा कि मैं तारीख़ को दुरुस्त कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये बात की है। सर तारीख़ अगर दुरुस्त करनी थी तो उसका पहला वक्त तो वो था जब आपसे कहा गया था कि अदम अतमाद लाइए, आप कहते कि नहीं लाते। दूसरा वक्त वो था जब इंतखाबात की कैंपेन शुरू हुई, सर जब लोग वोट डाल रहे थे, आप लोगों को बाशऊर करते कि भाई ये हुआ था। आप सर तारीख उस वक्त ठीक कर रहे हैं जिस वक्त इंतखाबात भी हो गए और कोई सीटों का कोई मामला है, कोई वो शायद हसब तवक्को नहीं मिली, सदारत का मनसब की शायद उम्मीद हो, तो सर ये सवालात तो पैदा हो रहे हैं ना कि ये तारीख की दुरुस्ती की टाइमिंग कुछ दुरुस्त नहीं है।
आप खुद कानून के पेशे से ताल्लुक रखते हैं और हमारे बार के जो हेड है वो आपके साथ तशरीफ फरमाए हैं। मैं तो खुद एक कानून का एक अदना तालिब इल्म हूँ अभी तक, ज्यादा इसकी पेचीदियों को सही नहीं समझ पा रहा। क्या अच्छा काकड़ साहब, मुझे क्रिमिनल कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे। काकड़ साहब आप ही की तरफ आएंगे, आप ही का मौकफ लेंगे, शॉर्ट ब्रेक के बाद में। वेलकम बैक जी, रहमतुल्ला काकड़ साहब हमारे साथ हैं। काकड़ साहब, मेरा सवाल ये था कि ये तारीख़ की दुरुस्तगी इलेक्शन के वक्त क्यों नहीं हुई, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं हुई, अदम इतमाद के वक्त क्यों नहीं हुई, अब क्यों हुई, वो असल बात क्या है जिसके ऊपर झगड़ा हुआ है सर? गुजारिश ये है कि ये जो पिछले जो एक पूरा टेन्योर 3 साढ़े 3 साल का था हमारे पीटीआई के दोस्तों का, उस दौरान भी JUIF ने अपनी आवाज उठाई है और फिर दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलके इस जमहूरी सिस्टम को डिरेल होने से बचाने के लिए अपना हिस्सा बकदरे जो साहब वो हक हमने अदा किया है। चाहे हम पीडीएम में रहे, चाहे हम हुकूमत में रहे, लेकिन मेजोरिटी जो है वो अथॉरिटी जो है वो हमेशा हावी रही है। जो अपने आप को बड़ी पार्टियां समझती हैं, जो नो डाउट के पंजाब हमारा बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, या उसके बाद सिंध जो है वो उसकी आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है। तो नहीं काकड़ साहब, आप अगर काकड़ साहब आप हारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और आप मिसाल अचकज़ई साहब की दे रहे हैं कि अचकज़ई साहब को यूं हराया गया। आप अपनी मिसाल अगर देते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक घंटापुर साहब हार गए, फजलुर्रहमान साहब जीत गए, ये हमारा रिकॉर्ड है, फिर तो बात बनती ना सर। आप हारे तहरीक इंसाफ से हैं और मिल भी आप तहरीक इंसाफ से रहे हैं, और शिकवा फिर आपका किससे है सर? जिससे आप हारे उसी के साथ मिलकर आप तहरीक चला रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि जो हारे हुए लोग हैं उनका गिला किनसे है। हम बरसरे आम या बरसरे बाजार किसी की रुसवाई तो नहीं चाहते, वो भी हमारे ही भाई हैं। लेकिन क्या आपको, मैं फिर दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा, क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट को ये इजाजत देती है कि वो आईन को जो है वो अपनी घुटों तले जो है वो रोंदे? मुशरफ मरहूम साहब फरमाया करते थे कि आईन क्या है, ये तो कागज का एक वो टुकड़ा ज़िया है मरहूम और फरमाया ये। करते थे सर। दूसरी बात यह है सर कि ये अकवाले ज़रीं की हद तक तो हम आपसे इत्तेफाक करते हैं। ये सवाल जो आप आज उठा रहे हैं ये उस वक्त उठाना चाहिए था जब आपसे कहा गया कि अदम इतमाद ले आइए और आप पीडीएम के सरबराह थे सर। आज तो इसका वक्त नहीं है ना, आज तो आप मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं किसी बात पर। आपने धांधली में एग्जाम्पल मुस्लिम लीग नून को बनाया है, आपने पीपल्स पार्टी को बनाया, और जिससे आप हारे हैं उसके साथ आप जाके मिल गए हैं सर। ये ज़रा समझा ये दो क्या दें। अकेले कह रहे हैं? मेरे सामने पूरे 12 पार्टियों की एक चिट पड़ी है, आपकी इजाजत हो तो मैं पीपल पार्टी जो है वो ये गिला कर रही है कि हमारे साथ कराची में धांधली हुई है। पीटीआई का तो रोना ही रोना है। एएनपी के एमएल अली खान साहब यही फरमान है, पीर पगाड़ा साहब डीडीए सिंध में यही फरमा रहे हैं, जमात इस्लामी के दोस्त यही फरमा रहे हैं। इवन कराची में 17-15 सीटें नेशनल असेंबली की जीतने वाली एमपीएम भी यही कह रही है कि धांधली हुई है। काकड़ साहब एक एक सवाल और फिर मैं आगे जाता हूँ। मेरा सवाल यह है कि हम भी यही समझ रहे थे कि तहरीक इंसाफ को वोट नहीं मिलेगा जिन हालात में वो दो चार हो चुकी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने वोट दिया और उस सुनामी में मेरे जैसे तजज़ियाकारों के तजिए भी बह गए और आपकी मकबूलियत भी बह गई सर। लोग वोट देने निकले, आपके पास कोई काउंटर नहीं था पीटीआई के वोट का, पीटीआई का आदमी निकला है, हमारे तजिए भी बह गए, गर्क हो गए, बहुत सारों की मकबूलियत भी गर्क हो गई। मान नहीं लेना चाहिए सर। देखें, जो पीटीआई को वोट मिला है हम कब कहते हैं कि वो उसको क्यों मिला? हम तो सिर्फ जो गलत तरीके से अगर किसी की फेवर हुई है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक, नो डाउट लोग निकले हैं और पीटीआई को वोट पड़े हैं, ये एक तो
बात तो रोज रोशन की तरह आया है, अच्छा और ठीक है, इसमें हमारे मैं काकर साहब आपकी कमीशन। तरफ वापस आऊँगा, मुझे इजाज़त दें, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं फिर आपकी तरफ आऊँगा। शकील लुकमान साहब ने मुझे ज्वाइन किया, शकील लुकमान साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जमान साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, एक समाजी सवाल है, फिर मैं कानूनी रियासत साहब से रहनुमाई लूँगा। सियासी जमातें सर नफ़रत का नैरेटिव वहाँ ले जाकर खड़ी कर देती हैं कि दोस्त दोस्तों से जुदा होते हैं, घरों के अंदर फसादात शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद एक खूबसूरत सुबह आती है और सारे मिल बैठते हैं। यानी यहूदी एजेंट कहा गया, बल्कि इमरान खान को क्या जेजुआई के हमारे बुज़ुर्गों ने तो बहुत बड़े आलम दीन के बारे में भी ये यहूदी का वो लगा दिया था। यानी जो मुखालिफ है वो इस्लाम दुश्मन है, वो दीन का दुश्मन है, वो मुल्क का दुश्मन है, वो यहूदी एजेंट है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो सब ठीक है। तो फिर ये जो सियासत कायदीन हैं, क्या इनका ये फ़र्ज़ भी नहीं है कि ये समाज को भी उस नफ़रत से बचाएँ, क्योंकि ये ख़ुद तो किसी भी वक्त मिल के बैठ जाते हैं लेकिन नीचे सर दुश्मनियाँ पैदा हो चुकी हैं, नीचे ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, ख़ानदान आपस में बिखर चुके हैं सर, ये एक समाजी पहलू है इस पूरी सियासी रवैयों का। आज साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इसमें देखें, हमें जो हमारा सोशल फैब्रिक है वो नैरेटिव जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप का होगा वो हमारे सोशल फैब्रिक को ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। हमारी जो सोसाइटल टाइज हैं उसको कहीं ना कहीं लाजमी इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ये जो लीडर्स बात करते हैं इनको ये जहन में रखनी चाहिए कि वो लीडर्स हैं, वो किसी एक, वो उनका पोलिटिकल कैपिटल है, और वो पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो उसको प्रॉपरली यूज़ करें, ना कि कभी नफ़रत की, कभी एथनिसिटी, कभी रिलीजन, कभी कुछ कभी कुछ। उसकी बजाय अगर लोगों को ये जोड़ें कि यार हमारे दरमियान में ये कामन चीज़ें हैं। अगर एक कोई पॉलिसी वॉट हो, हम इकानोमी को ठीक करेंगे, हम यहाँ तक इसका जीडीपी लेकर जाएंगे, या हम मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयमेंट इतनी कम करेंगे, इस तरह से करेंगे, वो इनके पास कुछ भी नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर होता भी है इसकी तो वजह क्या है, क्या पब्लिक कोई वो जैसे संजीदा आप बात नहीं सुनना चाहती, वो भी यही नफरत आसान चीज समझती है कि नफरत की बुनियाद पे खड़े हो जाओ। सर वो आप देखें ना, वो नफरत की बुनियाद पे फिर आगे जाके बजाय कि ये अपने मैनिफेस्टो कोई बनाएं कोई प्रैक्टिकल किस्म के, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें और फिर आवाम को बताएं यहाँ तक हमने अचीव किया, यहाँ तक हम अचीव नहीं कर सके, ये हम ऐसे अगले इलेक्शन में करें, उसकी बजाय ये ज़ातियात पे आ जाते हैं, उसने ये किया उसने ये। मैं जब सबको देखता हूँ बड़ा हैरान होता हूँ, ख़ासतौर पर यंग लोग, उन्होंने एक कल्ट बना दिया एक पार्टी को मिसाल के तौर पर, और दूसरों के ऊपर बिल्कुल बुछाड़ कर देते हैं, और एक कल्ट, अनफॉर्चुनेटली दूसरे भी ऐसे कर रहे हैं, दूसरे भी ऐसे ही कर रहे जवान हैं। साहब ये देखें ना, जी सर, सियासी जमात का रहनुमा टम्परेचर को यहाँ लेके जाता है, और फिर जैसे वो इस्लामी बंकारी के बाद एक बंकारी थी, फिर एक इस्लामी बंकारी आई, ऐसे यू टर्न के बाद फिर एक इस्लामी यू टर्न ले लिया जाता है। लेकिन किसी भी लीडर को, वो जेजुआई हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो PMLN हो, वो इमरान खान की पार्टी हो, कायदे तहरीक इंसाफ की, किसी लीडरशिप को ये डर नहीं होता कि मैं जो इंडिकेटर दिए बगैर यू टर्न ले रहा हूँ उसी स्पीड से, तो कोई पार्टी के अंदर से मुझसे पूछेगा, कोई सवाल करेगा, भाई कल तक तो आप अला वजहिल बसीरा उसे यहूदी एजेंट कह रहे थे, आज बैठ गए हो, कल तक आप उसको घसीट की आंतड़ियाँ निकालने की बात करते थे, आज बैठ गए हो। तो ये चीज़, ये मुआशरे का ये जो बेन्याजी का रवैया है, ये समझना चाहिए। सर आप बिल्कुल इसमें एक चीज़ जहन में रखें कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो नीचे फॉलोअर्स की तरफ देखने की जहमत ही गवारा नहीं करते कि उनकी नीड्स क्या हैं, डिमांड्स क्या हैं। वो समझते हैं ये ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, हम जो कुछ करेंगे हम उसी तरह से ये हमें फॉलो करते रहेंगे। अब शायद वक्त चेंज होता जा रहा है, और ये जितनी भी लीडरशिप और है वो जाहिर है जो लोग हैं नौजवान हैं वो डिफरेंट मीडियाज़ को मैंने तो देखते सोशल हैं। मीडिया पे कहीं नहीं देखा कि जाने वाले ने या मेज़बान ने या मेहमान में से किसी की पार्टी के कारकुन ने सवाल किया हो कि अल्लाह के बंदो हमें क्यों नफरत की दलदल में मैंने डाला था, देखे अगर यही करूं। मैंने कोई अच्छा देखे आपने आज एक देखे खातून ना ट्विटर पे लगा हुआ था, वो रो रो के कह रही थी कि हम तो इनके बारे में ये मतलब नाज़ेबा किस्म के लफ्ज़ बोलते थे, हमें तो शर्म आएगी, हम कैसे जो है ना वो इसको फेस ठीक करेंगे, है। लोगों को कैसे फेस अच्छा करेंगे, कहीं ना कहीं ये वाइस है सर। मैं शकीला साहब की तरफ जाने से पहले, ये मामले का समाजी पहलू भी हो गया, मैं कानूनी पहलू भी आपसे समझ जाता हूँ। रियासत अली आज़ाद साहब, अगर इस मुल्क में कानून है तो वो क्यों नहीं बुरुए कार आता जब हम किसी को भारतीय एजेंट कहते हैं, जब हम किसी को गद्दार कहते हैं, जब हम किसी को इस्लाम दुश्मन कहते हैं, जब हम किसी को बुरे नामों से याद करते हैं। आपको पता है इमरान खान साहब मौलाना साहब के बारे में बहुत गलत अलकाबात लेते थे, और किसी को हम यहूदी एजेंट कहते हैं वगैरह वगैरह। नफ़रत की बुनियाद पर सियासत खड़ी है सर, नफ़रत में पूरे मुआशरे का अखलाकी जो वजूद है ना वो घायल हुआ पड़ा। हम सुनते थे कोई एक हेट स्पीच होती है, कोई ज़ाबते अखलाक होता है, इन दोनों चीज़ों पर रहनुमाई कर दें कि वो जो हेट स्पीच होती है उसका अतलाक सियासत पर क्यों नहीं होता,
और वो जो इलेक्शन का एक जाब्ते अखलाक होता है कि आपने ये नहीं कहना, वो इनके ऊपर क्यों नहीं लागू होता और आर्टिकल 19 क्यों नहीं लागू होता? आपके कवानीन अकवाले जरी हैं या वो कोई जीते जागते कवानीन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम भाई, बात यह कि पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल कवानीन हैं, लेकिन जहाँ तक उसकी एप्लीकेशन का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि एप्लीकेशन के हवाले से हमारी अदलिया, मैं माजरत के साथ कहूँगा, वो वैसे भी पॉलिटिकल केसेस और बाकी जो केसेस है उसकी वजह से ओवर बर्डन है, लेकिन उसके अंदर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन ट्रू सेंस में, स्ट्रिक्टो सेंस, जो कानून कहता है उसके मुताबिक उसकी होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल केस हेट स्पीच के हवाले से, जैसे आपने बात की, या कोई ऐसा केस फाइल हो भी जाता है, तो हमारे जजेस साहबान का भी बिल्कुल ये क्लियर कट व्यू है कि वो कहते हैं कि जी हीट ऑफ द मोमेंट में ये, चूंकि आपने कारकुनों को, फॉलोअर्स को, मुखालफीन को ये उसमें ज़रा वो बकअप करने के लिए और उनको चेयर अप करने के लिए इस तरह का जुमला बोल गए, तो छोड़ें इसको, ये जज्बात की बात ही। जब जज्बात, कानून जज्बात नहीं देखता, कानून ने कानून को देखना है कि उसकी रूह क्या कहती है, उसका जो पहलू है उस कानून का, वो कहते हैं ना कि उसको ट्रू सेंस के अंदर कानून को लेके चलना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, बेसिकली कानून की मंशा ये है। अच्छा, ऐसा क्या वजह है कि किसी की इज्जत या पगड़ी उछाली जाए किसी सियासतदान की? और वैसे सबसे ज़्यादा इज्जत सियासतदान ही की उछाली जाती है, सबसे ज़्यादा तनकीद भी उसी पर होती है, वही सुनता और बर्दाश्त करता है। तो उसमें से अगर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो वो ये कहता है कि मैं तुझे लंदन की कोर्ट में लेकर जाऊंगा। वो ये क्यों नहीं कहता कि मैं रियासत अली आज़ाद की खिदमात लेकर तुझे पाकिस्तान की कोर्ट में लेकर जाऊंगा? इसलिए कि यहाँ पे आसिफ भाई आप देखें ना, जो हमारे यहाँ डेफामेशन का लॉ है या जो यूके के अंदर लॉ है, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे आप कोई भी केस फाइल करते हैं तो आप कास्ट ऑफ लिटिगेशन, आपका लॉयर जो है वो डिपॉजिट करवाता है। कल को अगर वो केस फाइल करने वाला अगर वो केस लूज़ कर जाता है तो उसकी वो कास्ट वहाँ पे उसके ऊपर पड़ जाती है और उसके अकाउंट से पैसा शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे चूंकि केसेस का फैसला ही नहीं होता, दादे के आगे फिर पोता जो है वो दादे का केस आगे कॉन्टेस्ट कर रहा होता है, रिवीजन होगी, रिमांड होगी, अपील होगी, सेट साइड होगी, फिर जी डिनोवो ट्रायल हो गया। तो इसके अंदर चूँकि मुँह शगाफियाँ और टेक्निकलिटीज बहुत हैं, इसलिए लोग लंदन की अदालतों की मिसाल देते हैं, यहाँ नहीं करते। ठीक ठीक, शकीदा लुकमान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। आज मियां नवाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी आसिफ किरमानी साहब की मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि सब ये तवक्को कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की वज़ीर आज़म ना बनने से तश्वीश पाई जा रही है। ये तश्वीश हमें भी पाई जा रही है, सच्ची बात है, हम किसी सियासी जमात के नहीं, लेकिन ख्याल था कि मईशत को मियाँ साहब इस गर्दाब से निकाल सकते हैं। तो मियाँ साहब का पीछे हटना, शकीदा लुकमान साहबा, क्या इस बात की तरफ इशारा है कि हालात बड़े टफ हैं, शहबाज शरीफ साहब को बहुत सख्त फैसले लेने होंगे, महंगाई फिर बढ़ेगी और मियाँ साहब ये बोझ नहीं उठाना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो डेफिनेटली हमारी पार्टी का और उनका ख्याल था कि हम जो है वो, बल्कि वो कहते थे कि कोई भी हुकूमत बने तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ बनेगी तो आसानी रहेगी उस हुकूमत के लिए कि वो इंडिपेंडेंट फैसले कर सकेंगे। और हमारा भी अपने बारे में भी कहते थे कि अगर सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी तो हम जो है वो फिर बाकी जो पार्टियां उनको साथ मिलाएंगे और हुकूमत, यानी वैसे भी मुल्की हालात भी ऐसे हैं कि सबको मिल के ले कहीं चलने में ही मुल्क की बेहतरी, आवाम की बेहतरी है। तो जब ये हालात इस तरह के देखे तो उन्होंने ये सोचा कि शहबाज शरीफ चूँकि 15-16 मंथ की जो हुकूमत थी पीडीएम की, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो उन सबको लेके, जो 13 पार्टियों की हुकूमत थी उन सबको बहुत अच्छे तरीके से लेके चले थे, तो उन्होंने ये समझा कि ये जो है इसको बेहतर तरीके से, उनका चूँकि तजर्बा भी हो चुका है तो वो ले चलेंगे। बाकी ये जहाँ तक बात है वो सियासत है, लेकिन सारी जिंदगी जिस बंदे ने 45 मेरा मोर देन डैट उन्होंने सियासत की हो तो वो सियासत से हट तो नहीं सकता, वो सियासत बिल्कुल पॉलिटिक्स से पीछे या उससे हटे नहीं है, बल्कि हमारी वो हमें गाइड करेंगे, हमें वो जो है वो अपने
जो है इसमें हमारी हेल्प करेंगे, हर चीज़ में वो हमारे साथ होंगे, सियासत में या जब अगर हमारी हुकूमत बनती है उसमें भी हर चीज़ में वो एक फाल करदार अदा करेंगे, गाइड करेंगे हमें हर तरह से, उनकी हमें जो है वो जो गाइडलाइन मिलेगी। लेकिन बस यही है, उन्होंने इसी चीज़ को समझते हुए जो है वो ये फैसला किया कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है उन्होंने नॉमिनेट उनका उनका नाम जो है वो दिया है, बाकी और तो कोई खास वजह नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत से हम किसी रिलीफ की तवक्को ना रखें, रिलीफ मिलना होता तो मियाँ साहब खुद आते, अब चूंकि मियाँ साहब नहीं आ रहे, वो फैसला साजी में खुद मुख्तार नहीं हो तो नहीं आए, तो शहबाज शरीफ साहब आएंगे, हाथ बंधे होंगे, बड़े मसाइल होंगे, तो बहुत ही उम्मीद ना रखें। इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ इधर ही हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, उनकी जो है मदद और उनकी जो सोच और सारे जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ ही होगी, वो कहीं वो तो इधर ही है, वो पहले तो ज़ाहिर लंदन में थे, जब इतनी दूरी होती है तो फिर आप डे टू डे हर चीज़ में वो इतनी वो नहीं होती, डेफिनेटली अगर वो खुद होते तो और भी ज़्यादा अच्छा था, बल्कि ठीक है पार्टी में जो आप। अच्छा शकीला साहब, आज 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 ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट आई है कि हम हुकूमत में आएंगे तो हमने सख्त फैसले करने हैं, आपको याद होगा जब आप पीडीएम में अदम इतमाद के बाद आते तो उस वक्त भी आपने कहा था कि हमने सख्त फैसले करने हैं, और लोगों ने कानों को हाथ लगा लिए कि सख्त फैसलों का दौर अल्लाह करे ख़त्म हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद आएँ खुद देखें। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब आ नहीं रहे, वही शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और एक दफ़ा फिर सख्त फैसले होंगे, कितने सख्त फैसले करने हैं आपने और कब तक सख्त फैसले करने हैं आप? मेरा अंदाज़ा जहाँ तक है उनका मतलब यह है कि जिस तरह हमारे मुल्क में टैक्स जो है वो नहीं इकट्ठा होता, जिस तरह बिजली चोरी होती है, जिस तरह गैस चोरी होती है, वो मुतद कई दफ़ा मुख्तलिफ जो है वो जगह पे बात ये कर चुके हैं कि हम अपने मुल्क में सेल्फ जो यह है हमारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हम अपने मुल्क को खुद भी चला सकते हैं इन चीज़ों में, लेकिन यहाँ हमारे बहुत बड़ा गैप है कि टैक्सेशन में हम जो है बहुत पीछे हैं, लोग टैक्स नहीं देते और टैक्स इकट्ठा नहीं होता, फिर गैस बहुत चोरी होती है, बिजली चोरी होती है, लाइन लॉसेस होते हैं, गवर्नमेंट के सर्विसेज के जो हैं वो हज़ारों मेगावाट जो है बिजली जो है उनको जो है फ्री दी जाती है, तो मेरा ख्याल में कि ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों को वो ज़्यादा कह रहे हैं कि इन चीज़ों को भी ठीक करने से हम अच्छे फैसले करने के वक्त आ गया है, तो मेरे अंदाजे के बारे में मेरे अंदाजे से ये बात कह रहे हैं वो। ठीक है, रियासत अली आजाद साहब, ये जो झगड़ा चल रहा है फार्म 45 फार्म 47 का, अब अगर फार्म 45 में भी हर चीज दस्तावेजी शक्ल में मौजूद है तो ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन उसके पास देखे ना, अदालती इख्तियारात तो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इख्तियारात भी हैं, तो वो ऑन इट्स ओन वेरीफाई कर ले, एक ही दफ़ा मसला सारा ही हल हो जाए कि फार्म 45 हर पार्टी अपने हर हलके का फॉर्म 45 ऑनलाइन रख दें, वो चेक हो जाए, तो ये तो 10 घंटे का काम है कि कौन जीता है कौन हारा है। अजीब सी एक मुल्क के अंदर गैर यकीनी की कैफियत बनाने की कोशिश की जा रही है, ये हो गया वो हो गया, भाई सब के फॉर्म 45 एक दफ़ा फिर टैली कर लो, कितनी कितने देर लगेगी सर, 6-7 घंटे की एक्सरसाइज है, आप हर हल्के का फॉर्म 45 चेक कर लें, मसला हल हो जाए। इसमें दो चीज़ें कानून के अंदर है, एक है क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब फॉर्म 45 में आपसे एग्री करता हूँ कि देखिए उनके जो पीओ और एपीओ हैं यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनके सिग्नेचर्स हैं और सारा कुछ जो उन्होंने जारी किए हैं, एक एक कापी इनके पास की बाकी रिकॉर्ड के अंदर, वो रिकॉर्ड देख लें, अगर उस रिकॉर्ड को आप देख के कैलकुलेशन कर लें, अगर कोई जीता हुआ है क्वांटम ऑफ वोट के हवाले से तो वो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट है, वो जीता हुआ वहाँ से विनर है, उसको डिक्लेयर कर दें। लेकिन अब इसमें वही मैं फिर से बात करूँगा कि चूँकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस के एविडेंस रिकॉर्ड, और एविडेंस रिकॉर्ड होगी तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा, तो दोनों के पास एक मैं ही होगा वही कह रहा हूँ, मैं पहली बात मैंने ये कही है कि उस पर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कि एक तो वो है जो पोलिंग एजेंट के पास है और कैंडिडेट्स के पास चला गया, और दूसरा उसका पार्ट जो है वो इनके पास मौजूद है, तो उसको ही देख के। लेकिन फिर वही बात है कि जो नीयत है ना, आप अगर कानून को उसके ट्रू सेंस में नेक नीति से चलाना चाहते हैं तो कोई कबात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैलाफाइडी का आंसर आ जाता है, जब बदनीति का आंसर आ जाता है, तो फिर ये कानून की मुँह शगाफियों के बेनिफिट्स लिए जाते हैं। अब देखें लोग इलेक्शन कमीशन के पास, उनके पास एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मुख्तसर सा एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक जी, गुफ्तगु का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कबल इससे कि मैं आगे जाऊं, रस्त अली आज़ाद साहब से मैं फॉर्म 45 के हवाले से पूछ रहा था, एक और सवाल है वो भी पूछ लेना चाहिए। रस्त अली आज़ाद साहब, पिछले इलेक्शन में जब कुछ लोगों ने लिखा तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि याद रखिए हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स भी मौजूद है, ये है वाकई? नहीं, देखें जो कमीशन और अथॉरिटी उसके पास अख्तियार नहीं है, कंटेम्प्ट कोर्ट की कंटेम्प्ट होती, किसी अथॉरिटी की नहीं होती, ये क्लियर कर ले। इनको क्यों दी गई है ये पावर? दी गई, मैं तो समझता हूँ कि पता नहीं किस लॉ के तहत, किस एक्ट के तहत दी गई, मैंने मेरी नजर से वो एक्ट नहीं गुजरा। एक्ट तो पार्लियामेंट ने बनाना होता है ना, अगर किसी नोटिफिकेशन से तो वो जिसको मर्जी आपको दे दें अख्तियार, किसी और को दे दें, गुलाम सूल को दे दें कि जी आपके शान में गुस्ताखी करेगा तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। वैसे आप आर्टिकल देखें ना, 228 PPC के अंदर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है प्रोसीडिंग के दौरान। दूसरा ये जी कि आप आर्टिकल 204 देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, उसके अंदर है, लेकिन कंटेम्प्ट को आप छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि जो आपने बुनियादी क्वेश्चन पूछा ना 45 वाला, इस आवाम को एक हिजान में डाल दिया आपने टेक्निकलिटीज़ की वजह से। कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गए हैं, फिर उन्होंने मैटर कहा कि जी हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती, आप पहले इलेक्शन कमीशन में जाएं, फिर ट्रिब्यूनल में जाएं और फिर उसके फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। प्रोसीजर तो ये है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपने इस कौम को क्यों उलझा दिया इसके अंदर। फिर चार चार साल गुजर जाते हैं, पांच गुजर जाते हैं भाई, फैसला ही नहीं होता, फैसला नहीं होता, ना ही इन केसेस में फैसला होगा, इसलिए कि यहाँ पे आपको पता सारी चीजें मैनेज्ड होती हैं, मैनेज्ड, ये मैं माजरत के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने बलदियाती इलेक्शनों में देखा बेचारे चेयरमैन जो हारे हुए थे वो जीत गए, जो जीते हुए थे हार गए, उनके टेन्योर खत्म हो गए, लेकिन वो फैसले नहीं हुए। ठीक है डॉक्टर जमान साहब, मुआशरे में सियासत के नतीजे में तलखी बढ़ रही है या मैच्योरिटी बढ़ रही है? अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो यही होता रहा है। पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो सब हमारे लिए काफ़ी क्वेश्चंस लेकर आते हैं, और हम हमारी जो पार्लियामान है जिसका ये काम है कि वो फॉर एवर इस चीज़ को सेटल कर दे, वो नहीं कर पाते, और उसके रिजल्ट के तौर पर हमारी जो माशरा है उसके अंदर वाकई काफ़ी ज़्यादा तलखियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने पहले भी थोड़ी देर ताज़ा मिलाप से तो कम नहीं हुई, ये अच्छी बात है, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको अच्छा समझता हूँ कि ठीक है यार, आप अब मेरे ख्याल आवाम को भी ऐसा ऐसा समझ आना शुरू हो गई है कि ये ज़रा हमें वो कुकड़ लड़ाई जो है ना वो थोड़ा सा चल रही है, इलेक्शन के बाद सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल और काफ़ी पिच जो है ना वो लो हो जाती है, बल्कि अब तो ये देखें जो हार रहे हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जो जीत रहे हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये पिछले इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था, आइंदा भी ऐसा ही होता रहेगा। तो मेरे ख्याल है आवाम को भी इसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी की ज़रूरत है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने वार्ड्स को कैपिटलाइज करने के लिए इस तरह के बज़ वर्ड्स यूज़ करते हैं, एक दूसरे को मोबिलाइज मसेज को मोबिलाइज करने के लिए, तो आवाम भी ऐसा ऐसा उस बताइए चाहिए कि पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि किसी न किसी सियासी पार्टी के पास आवाम की वेलफेयर का भी कोई ना कोई प्रोग्राम होता था। इस इलेक्शन में हमने देखा कि महसूस ये हो रहा है कि काम करने की ज़रूरत नहीं, बातें करने से भी आप सुरखरू हो सकते हैं, अच्छा नारा दें, अच्छी नफ़रत फैलाएं, ठीक है ना, एक सोशल मीडिया कैंपेन खड़ी कर दें, गालियां देना शुरू कर दें, तो वो भी आपकी कामयाबी की ज़मानत बन सकती है। ये क्या प्रॉब्लम है, ये कोई मुआशरे में प्रॉब्लम है या सोशल मीडिया के उस तूफ़ान के अंदर जो पोस्ट ट्रूथ या जो भी है उसकी हकीकतों को हम नहीं समझ पा रहे, हम एक फ़ैशन की तरह एडवर्टीजमेंट जिस तरह उभार के ले जाती है, ये मसला क्या है? देखिए सर, ये जो सोशल मीडिया की इस वक्त ये न्यू फिनोमेना है हमारी सोसाइटी में, इसके अंदर लोग फैक्ट्स को नहीं देखते, लोग क्या देखते हैं कि जो सेंसेशन है, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो सेंसेशनल किस्म की पोस्ट लगा रहे होते हैं, और उनका पर्पज़ ये है कि वो सीनियर साफियों ने भी यही धंधा शुरू किया हुआ है, सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं सर, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ ना, अब उस सेंसेशन के चक्रों में बड़ी खबर, हम सबसे पहले, ब्रेकिंग न्यूज़, ये और वो, और इसी चक्कर में इवन ये जो प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स आए हैं सारे उसी को, जी देखें वो टीवी स्क्रीन्स लगा देते हैं, हम इतना आगे जा रहे थे, हम इतना पीछे जा रहे थे, भाई आप दो चार पोलिंग स्टेशन से आगे जा रहे हैं तो कहीं से लूज भी कर सकते हैं, वो फैक्चुअल की बजाय मेरे ख्याल में। अच्छा वैसे ये भी तो एक हिजान है ना, ये बहुत बड़ा है स्टेशन, भाई आप इंतजार कर ले इलेक्शन कमीशन रिजल्ट दे, आप दस्तावेज सर चेक करने एक दफा रिजल्ट्स सुनो। सर दुनिया में प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स आते हैं लेकिन वहाँ क्रेडिबिलिटी का एलिमेंट है, हमारे यहाँ तो आज तक किसी ने कहा है कि यार हम, वैसे इस दफा दो तीन लोग थे जिन्होंने कोई थोड़ी सी जुरत की है, मुस्तफा नवाज साहब ने सबसे पहले जुरत दिखाई और फिर उसके बाद ख्वाजा साद रफीक ने या ANP के लोगों ने,
कि यार ठीक है हम हार गए हम मान लेते हैं, वरना इस मुल्क में कोई मानता है कि हम हारे? आज तक हम बच्चों को ये सिखाते हैं, जीती हुई भी छोड़ी है कि नहीं मैं तो हार गया हूँ। हाँ वो भी बड़ा जुर्रत दिखाई है आफिस साहब ने। तो मेरा मतलब है कि ये कल्चर शायद आइंदा आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा। वो जो प्रोग्रेसिव रिजल्ट हैं उसकी बेस पे उसके, अब देखें टिक्कर आगे पीछे भी हो सकते हैं, हो सकता है वो फैक्चुअल भी हों, उनसे भी गलती हो सकती है, टैली तो नहीं हुए कहीं, क्योंकि क्रेडिबल रिजल्ट्स तो नहीं आए ना, तो उस वक्त तक थोड़ा सा सब्र कर लें। क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे ये डर भी है कि इस दौड़ में बाज चैनल्स ने शायद, मैं बदगुमानी का मुझे को खबर नहीं है, तादाद बढ़ा के लिख दी हो कि भाई एक वक्त आना है वोट यहाँ भी पहुँचने ही है ना। वो बता रहा है कि फलां 500 की लीड से जा रहा था, यार तुम लिख दो 1200 की लीड होगी, लेकिन वो सब होनी है ना, लिखते हैं ना गैर आत्मी गैर सरकारी, ये तो उसका वही ना, उससे फायदा उठाते हैं। सर डाटा साइंस में मॉडलिंग करते हैं, और वो मॉडलिंग में प्रोजेक्शन कर देते हैं, अगर ये रेशियो जा रही है तो ये प्रेडिक्शन है भाई, ये वोट है, लोगों का ओपिनियन है, ये वो डाटा साइंस का वो वाला फार्मूला यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन चलती है कि यार एक जगह पे किसी एक कैंडिडेट की अच्छी फॉलोइंग हो सकती है, किसी दूसरी जगह के दूसरे की हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी वो वाली नहीं है। वो जो वो एक किस्म की प्रोजेक्टेड मॉडल बना के प्रेजेंट कर देना है, उससे सोशल फैब्रिक हमारा वीक होता है, क्योंकि कैंडिडेट्स ने आपकी स्क्रीन के शॉट लेके फिर उसके बाद ठीक ठाक। और एक और चीज़ जो इस जिस तरफ आपने इशारा किया, मैं भी उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। देखें कैम्ब्रिज एनालिटिक्स आपने सुना होगा सर, ये कैम्ब्रिज में बैठे हुए कुछ कंट्रीज़ में को इलेक्शंस को उन्होंने, ये अक्सर डिबेट चलती है ना ईवीएम्स की, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो है ना उसकी, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स यूज़ हुई कोई एक दो मुल्कों में, और वहाँ पे किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए लोगों ने इंटरफेयर किया, और इंटरफेयर करने के बाद उन्होंने रिजल्ट्स को चेंज कर दिया, और वहाँ पे फिर ठीक ठाक पावर स्ट्रगल हुई और सिविल वॉर्स हुए। ये हमारा डेल, ये मेरे पास इसकी कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एल्गोरिथम्स डेवलप करके कोई भी आपके दुश्मन मुल्क के बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जो सोशल मीडिया के सीईओज बैठे हैं, अगर वो चाहें तो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, दो चार एल्गोरिथम्स किसी एक को आपने अगर फ्रेगमेंटेशन बढ़ानी है किसी सोसाइटी इसको, में इसको जरा आसान करते हैं, मेरे जैसे बंदे भी सुन रहे हैं, यानी हम जो फेसबुक खोलते हैं जी सर, और एक खास किस्म के नैरेटिव की पेड पोस्ट्स नजर आना शुरू हो जाती हैं जी, तो ये जो आपने कहा कि पड़ोस के कुछ लोग सोशल मीडिया के बाज़ इदारों के सरबराह हैं, तो ये वो फैक्टर आप बात कर रहे हैं जी? मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने किसी एक मुल्क में अनरेस्ट बढ़ानी है तो आप फेसबुक में एक किसी नैरेटिव को ज्यादा स्पेस दे दें प्रोग्रामिंग करके, ताकि उस नैरेटिव को बहुत आगे लिया जाए, और जब वो आगे चला जाता है तो दूसरे भी उसी तरह से, हमारा ये हो गया दूसरे का ये हो गया, भेड़चाल तो फिर शुरू हो जाती है, भेड़चाल शुरू हो जाती है। तो ये सर मेरा ख्याल है कि जैसे चाइना ने नहीं किया अपना सोशल मीडिया, वो इसी इंटरफेरेंस के लिए एक सोल्यूशन किया है। मैं ये नहीं कहता कि आप भी वही करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो जो लोग मैटर करते हैं वो इस चीज़ को लाजमी जहन में रखें कि कहीं ये अनरेस्ट अरब स्प्रिंग तो नहीं है। अरब स्प्रिंग में मेरा किसी हद तक एक्सपीरियंस है कि मैं बाहर किसी प्रोफेसर के साथ काम कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम ना अरब स्प्रिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने सोशल पेज सोशल मीडिया के चैनल पेजेस और वो ख़ास किस्म की स्ट्रीम बढ़ा के उसके एल्गोरिथम्स बढ़ा के उसको उस हद तक ले गए कि उस सोसाइटी में जितने भी उनके गवर्नमेंट्स थी सारी की सारी गिर गई, लेकिन आज वहाँ सिविल वार लाइक ठीक है डॉक्टर साहब, और किसी ने आज तक जो है ना किसी दिन इस पर किसी दिन एक्सक्लूसिव एक तफसीली नशिस्त करने की ज़रूरत है। रहमतुल्लाह काकड़ साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो काकड़ साहब के लिए जो डॉक्टर साहब ने बातें की इसकी उन सुपर रहनुमाई लेंगे, शकीला लुकमान साहब से भी लेंगे, और कानूनी मामला रियासत अली आज़ाद साहब से भी समझेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, चीज़ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रहमतुल्लाह काकड़ साहब की तरफ चलते हैं। रहमतुल्लाह काकड़ साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, वफाकी वजीर रहे हैं, JUI की अहम शख्सियत हैं। काकड़ साहब, ये जो डॉक्टर जमान साहब बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया नैरेटिव बाहर से कंट्रोल होता है, कुछ ख़ास मौजू के ऊपर की जाने वाली पोस्टों को स्पेस दी जाती है,
ممالک کے اندر انریسٹ پیدا کیا جاتا ہے، اور ہمیں بھی کوئی کنٹرولڈ سوشل میڈیا چاہیے، اپنا سوشل میڈیا چاہیے، انہوں نے غالباً یہ کہا تھا، کنٹرول نہیں کہا تھا، اپنا سوشل میڈیا چاہیے. ابھی کاکڑ صاحب فلسطین کا نام لیں، آپ کا آپ کی سوشل میڈیا پر آپ کی پوسٹ کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، کشمیر کا نام لیں گھونٹ دیا جاتا ہے. یعنی وہ سارا کنٹرول تو کوئی اور کر رہے ہیں نا، کہ آپ کے ملک میں رایاما کیسے بن رہی ہے. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب کا نقطہ ہے، اس کے اوپر کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے سر؟ یقیناً قانون سازی کی ضرورت ہے، لیکن جو قوانین پہلے سے موجود ہیں کیا ان کو ہم صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر پائے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی ان کو امپلیمنٹ کرنے دے رہا ہے؟ کیا ہم اتنے آزاد ہیں؟ ذرا کھل کے اگر ہم بات کریں کہ ہم اپنے ہمارا جو آئین ہے یا ہمارے جو مرویجہ قوانین ہیں جو پارلیمنٹ سے پاس کیے گئے ہیں، کیا ہم ان پہ صحیح لیٹر اور اسپرٹ میں اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ بہت ساری ہرڈلز ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ باہر سے چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں اور پیسے کی زور سے ہو رہی ہیں، ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں. مجھے تو گو کہ میں مایوسی کا قائل تو نہیں ہوں، لیکن مجھے مڈل ایسٹ تقریباً بائی روڈ جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور سم 45 یا 50 ایئرز بیک میں فلسطین بھی گیا ہوں. تو جو حالت ہے ہماری، ہم دوسروں کے رحم و کرم پہ پہلے برٹش اس پہ جی رہے تھے، اب دوسری جو بڑی سرکار ان کی ہے جو برٹشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اب چیزیں انہوں نے ہاتھ میں لی ہیں. اور پھر یہ جو ایک مختلف جو ٹیکنیکل کہہ لیجیے یا جو فائنینشیل پاورز درمیان میں کود پڑے ہیں، تو چیزیں ان سے کنٹرول ہو رہی ہیں اور ہم اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ ہم میں کچھ لوگ یا ادارے ایسے ہیں جو فار سیل ہیں، جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں اور صرف اپنی ذات کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے. جب تک نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ گارنٹیڈ نہیں ہوں گے تو یہ جو ہے ان کو ہم کیسے کنٹرول کر سکیں گے؟ کاکڑ صاحب آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہماری اس کے اوپر کمپرومائز ہیں. ایک ذرا سوال کہ اس وقت تحریک انصاف کا کیا سٹیٹس ہے سر؟ پاکستانی جماعت ہے یا یہودیوں کی ایجنٹی ہے ابھی تک؟ دیکھیے، پرانے زخموں کو آپ مت کھلیجیے. میں ہمیشہ آپ کے شو میں بھی عرض کرتا گیا ہوں اور دوسرے جو ہمارے ٹاک شوز ہیں کہ پولیٹکس میں نہ کوئی دائمی مخالفت جو ہے چلتی ہے اور نہ دائمی رفاقت چلتی ہے. تو یہ لیکن رحمت اللہ کاکڑ صاحب آپ کا ہم احترام بھی بہت کرتے ہیں، آپ سے سیکھتے بھی ہیں، آپ ڈانٹ بھی دیں گے تو بد مزہ نہیں ہوں گے، لیکن سر سیاسی مخالفت میں پھر اس حد تک بھی تو نہیں جانا چاہیے نا کابرین کو. میں کسی حد تک شاید آپ کی بات سے اتفاق کروں، لیکن جب سیاسی اکابرین جو ہے وہ اپنے نچلی لیول پہ ان کی اپنی کمانڈ کمزور ہوتی ہے یا انہوں نے تھوڑی ڈیل دی ہوتی ہے، تو اس کے جو ریپرکشنز ہوتے ہیں یا ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو پھر بعض اوقات وہ جو پولیٹیکل بیریئرز ہیں وہ کراس ہو جاتے ہیں یا کراس کرنے پڑتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مفادات کے لیے کسی کو یہودی ایجنٹ کہہ دیا جائے تو کوئی ناراض ہونے کی بات چلتا ہے؟ آپ اگر آپ نے اس چیزوں کو مسلسل پوچھتے رہے تو پھر آپ کو آصف محمود صاحب اور کاکڑ اور میرے دوسرے بھائی ان میں بھی کوئی نہ کوئی یہودی ایجنٹ کا شائبہ ہونے. نہیں نہیں، مجھے نہ بنائیے گا سر، میں نہیں پوچھتا یہ سوال آئندہ. کاکڑ صاحب آپ سمجھے، میں نے پوچھا ہی نہیں، آپ نے سنا ہی نہیں سر، پھر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ میں نے کوئی جواب ہی نہیں. ہاں ہاں نہیں نہیں نہیں، جواب تو آپ نے دیا، میں وہ تو میں کیسے بھولوں گا تو پھر گستاخی کر بیٹھوں گا، پوچھ بیٹھوں گا. شکیلہ لقمان صاحب، آپ کیا آپ کی جماعت سے یہ بنیادی غلطی نہیں ہوئی کہ آپ کو الیکشن لڑنا ہی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے چاہیے تھا؟ سب کو مل کر آپ کا ووٹ ساروں کا تقسیم ہوا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ کے پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں وہ بھی آج آپ سے خفا ہو کے دوسری طرف جا چکے ہیں. ٹوٹل فیلئر ہوا آپ کی کیلکولیشن میں.
देखिए ये इस तरह पॉसिबल नहीं होता ना जी, पीडीएम के की प्लेटफॉर्म से हम सीट सारे एडजस्टमेंट इलेक्शन कर लड़े लेते। ये आपका अलग अलग पार्टियां आपके आपके सामने ही है सारी चीजें, के एक वक्त था कि 13 जमातें इकट्ठी जो है वो मिल के काम चला रही थी, लेकिन उसके बाद आप देख लें कि आप आपने खुद ही सारी ये बातें पहले कह दी हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो बिलावल साहब थे वो कितना हमारे ऊपर हर रोज अटैक कर रहे थे, इधर की बात होते थे तो नवाशी के पर ले जाते थे, उधर की बात होती थी नवाशी के पे, और फिर यहाँ तक कि शबाशी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जिनको वो बहुत कहते थे कि ये मेरा वजीर आजम है और ये बहुत अच्छे हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा चलाया, इतनी तारीफें करने वाले भी। तो ये इस तरह ही होता है जो कल का सियासत में, ये होता है कि कल का दुश्मन आज का दोस्त होता है, जो आज का दोस्त होता है कल को वो दुश्मन भी हो जाता है। तो आप देखिए उसके बाद आप देखिए कि जो हमारे मौलाना साहब है हमारी पार्टी की, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और मेरी भी सेम थिंग विद मी कि हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, आज भी करेंगे, लेकिन देखिए ना उन्होंने कितना हमें भी वो आगे रख लिया कि भाई आप भी इसमें शामिल नहीं। शकीला लुकमान साहबा देखिए, शकीला लुकमान साहबा वक्त खत्म हो रहा है, मुझे मेरा एक सवाल है, मुझे रहनुमाई फरमा दें कि आपने तो अखबारात में इतने इतने इश्तिहार छपवाए और इस हुनरकारी से छपवाए कि वो लग रहा था कि इश्तिहार कहाँ है और खबर कहाँ है, खबर की सूरत में इश्तिहार बनाया गया सुपर लीड की शक्ल, बल्कि मेन लीड की शक्ल में कि जी अवाम का फैसला आ गया नवाज शरीफ वजीर आजम, लेकिन आप तो खुद तवक्कुआत आपकी पूरी नहीं हुई, आप हार गए, लेकिन इसके बावजूद मौलाना साहब धांधली की मिसाल के लिए आपको सामने ला रहे हैं कि आपका उम्मीदवार जीत गया अशकजई साहब के मुकाबले में, इसलिए धांधली हुई, गोया मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि पीएमएलएन को धांधली से जितवाया गया वरना उसकी सीटें और कम होती। नहीं हम जितवाए कहाँ गए, आप देख लें हमारे आपके सामने है कि हमारे बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं, अजय के राणा सनाउला जो थे फैसलाबाद से, क्या वो के मतलब ये कमाल हो गए, वो हार गए हैं, फिर आप शेर अली उधर से हारे, फिर इधर से साद रफीक हारे, यहाँ रोहेल असगर हारे, आप देखिए गुजरा वाले से हुरम दस्तगीर हारे, मुर्तजा जावेद जो है वो के पीके से हारे, तो आप हमें किस तरह ये कहते हैं कि हम जिताए। तो फिर वही ना, मौलाना धांधली के लिए पीटीआई की मिसाल भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आपकी मिसाल दी है, वो आपसे नाराज है। देखें ये तो आप हमारी खुशकिस्मती है ना कि उन्होंने हमारी मिसाल दे दी है, अब इस अब हम क्या कह सकते हैं, हमारा उनके साथ बहुत ताल्लुक रहा है तो हम नहीं चाहते कि कोई बात चले। चले साहब आपका बहुत शुक्रिया, कल उन्होंने गुस्से में कह दिया अच्छा ठीक है चले चले, इसको इसके ऊपर मट्टी डाल दी, मट्टी डाल दे, मट्टी डाल दे, एक मट्टी डलवा दी, एक मट्टी आपने डलवा दी, ठीक हो गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिर में डॉक्टर रेस्त अली आजाद साहब आपकी तरफ आता हूँ, इस मुल्क के जो इंतखाबी कवानीन है, इस मुल्क की जो सियासी कवानीन है, कभी उनके ऊपर अमल हो सकेगा या उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए? पार्लियामेंटेरियन जब भी आते हैं ये बेसिकली जिम्मेदारी उनकी, लेकिन जब वो इकतदार में आ जाते हैं तो फिर वो इन कवानीन को और इन चीज़ों को वो भूल जाते हैं, और जब इलेक्शन आने या आ जाते हैं तो फिर उनको ये कवानीन और उसकी अमेंडमेंट और उसकी अपग्रेडेशन तब याद आती है जब वो इकतदार में होते हैं, मिनिस्ट्रियाँ मिल जाती हैं और फिर वो फिर भूल जाते। डॉक्टर साहब, समाज इस इंतखाबी सियासी अमल के नतीजे में इनहिताद का शिकार हो रहा है या धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और इर्तिका पजीर है? मुझे लगता है कि कहीं कहीं तो ग्रो कर रहा है जो कि अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा इनहिताद का शिकार हो रहा है। मैं एक सिर्फ पॉइंट जो पिछली डिबेट चल रही थी उसको कहूँगा, मैं बड़े माजरत के साथ और रिक्वेस्ट के साथ अपने पॉलिटिशन से कहूँगा कि थोड़ी सी मेहनत करके अपनी कैपेसिटी बढ़ाएँ, क्योंकि हम 18th सेंचुरी में जी रहे हैं और हमारा वास्ता 21st सेंचुरी के साथ है। यहाँ लैंग्वेज चेंज होगी, सियासत चेंज होगी, कम्युनिकेशन चेंज होगी, मीडिया चेंज हो गया, लेकिन आज भी ये ट्रेडिशनल नहीं सर, कैपेसिटी पहले यूनिवर्सिटियाँ बढ़ाएं फिर हम सियासतदानों से। बिल्कुल एग्री करते हैं, कैपेसिटी का मशवरा तो उन्हें आपको देना चाहिए सर, तालीमी इदारे कैपेसिटियों के लिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ऐड करूंगा डॉक्टर साहब की बात में कि इश्यूज़ की पॉलिटिशन पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ना कि लोगों की जातियात के ऊपर। जब आपके पास कोई चीज जी, आपके ठीक पास हो गया, वक्त ये हो रहा है, नहीं होता जी, 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 को, जी, तो फिर आप उस पे वो करते जी, डॉक्टर कीजिए। ये जो हम बात कर रहे थे ना, इनमें से आपको भी अंदाजा है मुझे भी, हम अपने दोस्तों के साथ काफी इस पे मेहनत करते रहे, आज तक ना कोई सियासतदानों को और ना बहुत बड़े सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ये अंदाजा है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है और वो किस तरह से सोशल मीडिया के साथ हो रहा है, और वो किसी को अंदाजा नहीं है। इवन जो विनर हैं उन्हें भी नहीं पता कि हमें कहां से कैसे फेवर मिली है।
तो मेरा ख्याल है इनको इस पे भी थोड़ी सोचने की जरूरत है, सोशल मीडिया को सीरियस लेने की जरूरत है, यानी सोशल मीडिया को इज्जत देने की जरूरत है, वोट को तो आप छोड़ दें वो बात की बात है वोट को इज्जत दे ली है, सोशल मीडिया को इज्जत देने की जरूरत है। रियासत अली आज़ाद साहब आपका, डॉक्टर जमान साहब, रहमतुल्लाह काकड़ साहब और शकील लुकमान साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहे। नाज़रीन आपकी इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।